चिराग पासवान सोशल मीडिया पर चर्चा में रहते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट के बाद से उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ी है। अपने किलर लुक्स को लेकर चिराग युवाओं के बीच काफी पसंद किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले भोजपुरी एक्ट्रेस निशा दुबे ने भी चिराग की तारीफ की थी। आज एक छोटी बच्ची ने खुद को यंगेस्ट फैन बताते हुए उनसे बात करने की कोशिश की। पटना एयरपोर्ट पर शनिवार 3 अगस्त को चिराग पासवान की लोकप्रियता का एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला। जब एक छोटी बच्ची ने उनसे बात करने की कोशिश की, उसने चिराग को अपना पसंदीदा सांसद बताते हुए कहा, मैं आपकी सबसे कम उम्र की फैन हूँ। चिराग ने उसकी प्रशंसा का सम्मान करते हुए इसका नंबर लिया और बातचीत का वादा किया। इस घटना ने चिराग की बढ़ती फैन फॉलोइंग और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता को स्पष्ट कर दिया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान दिल्ली से पटना पहुंचे थे। पटना एयरपोर्ट पर वो पत्रकारों से बात कर रहे थे। चिराग पासवान आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। उनका कहना था कि अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, हम उससे सहमत नहीं हैं। जब चिराग पासवान ये बयान दे रहे थे, तभी एक बच्ची ने चिराग पासवान को देखा और उनसे बात करने की कोशिश करने लगी। बच्ची ने खुद को चिराग पासवान का फैन बताया। उसने चिराग पासवान को अपना नंबर दिया। जब वह खुद को फैन बता रही थी, तब चिराग ने उससे थैंक यू बेटा कहकर संबोधित किया। बता दें कि चिराग पासवान हाजीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। चिराग पासवान काफी पॉपुलर नेता हैं। लोग उनके साथ सेल्फी खिंचवाना चाहते हैं। आज पटना एयरपोर्ट पर उसी का एक नजारा देखने को मिला। भोजपुरी एक्ट्रेस निशा दुबे ने चिराग पासवान का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। इसमें चिराग पासवान दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में केंद्रीय मंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए नजर आ रहे थे। इस वीडियो क्लिप को निशा ने लेटेस्ट ट्रेंड के अनुसार बनाया था, जिसमें सबसे पहले वो स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। उसके बाद चिराग के कई वीडियो क्लिप दिख रहे हैं। निशा ने कैप्शन में लिखा, यार ये बंदा इतना क्यूट क्यों है। वीडियो में चिराग पासवान को भी टैग किया था।